पेरेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल सी एंड हाउ टू टीच नर्सरी और नर्सरी टीचिंग टिप्स। इस वीडियो में हम नर्सरी टीचिंग टिप्स सीखेंगे। सबसे पहले तो नर्सरी के बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा रोते हैं और उनको पेंसिल भी नहीं पकड़ना आता। पेंसिल जैसे उनको पकड़ना नहीं आता, सबसे पहले तो उनको चुप करवाना है, उनकी जैसे ऐसी एक्टिविटी करवानी है जिससे वो चुप हो जाए। जैसे कि बार बार टीचर बच्चे से बात करती रहती है तो फिर भी बच्चा चुप नहीं होता, तो काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं जब नर्सरी क्लास में, तो सारे भी रो देते हैं। एक बच्चा रोता है तो बाकी सारे भी उसको देख देख के रोने लग जाते हैं। तो टीचर को क्या करना है, ऐसे ऐसे उनका मन बहलाना है, जैसे कुछ एक्सरसाइज करवानी पड़ेंगी, जैसे क्लैपिंग, क्लैप योर हैंड, क्लैप योर हैंड, क्लैप योर हैंड, रोलिंग 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 रोलिंग, रिंगिंग 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 रिंगिंग, टच द स्काई, टच द स्काई, टच द स्काई। जैसे मैं आप खड़ी होकर, मैं स्टैंड होकर दिखाऊंगी, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम नर्सरी क्लास के बच्चों को सिखाएंगे। और उनको शुरुआत में सबसे पहले उनको रोना बंद करवाना है, फिर पेंसिल पकड़ना। अब मैं खड़ी होकर दिखाती हूँ, देखिए, जैसे क्लैप योर हैंड, क्लैप योर हैंड, रोलिंग रोलिंग रोलिंग, रिंगिंग रिंगिंग रिंगिंग, touch the sky, turn around, close, open, ringing, ringing, rolling, rolling, and touch your toes। फिर और भी सारी एक्सरसाइज है, लेकिन शुरुआत में हम अचानक से इतनी सारी नहीं करवानी। शुरुआत में हम कुछ इजी इजी, जैसे क्लैप योर हैंड, क्लैप योर हैंड, क्लैप योर हैंड, क्लोज क्लोज योर हैंड, शो मी योर फिंगर, शो मी योर फिंगर। फिर एक ये देखिए कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, ब्लिंक योर आइज, ब्लिंक योर आइज, ब्लिंक योर आइज, एंड वेयर इज योर हेयर, वेयर इज योर हेयर, वेयर इज योर हेयर, वेयर इज योर हेयर। जिसके लंबे हेयर उस लड़की को बोलिए कि वेयर इज योर लॉन्ग हेयर, योर लॉन्ग हेयर। वो उनके बारे में, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में, या फिर उनके घर, उनके हम घर के बारे में, उनके घर के बारे में हम नहीं पूछेंगे क्योंकि वो उनको याद करके रो सकते हैं। तो हम उनसे ये एक्सरसाइज करवाएंगे। शुरुआत में आती है जब बच्चे रोते हैं ना, नर्सरी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो बच्चे कुछ रो देते हैं, तो उनको चुप करवाने के लिए। एंड देन फिर ये सब चुप हो जाते हैं, बच्चे जब चुप हो जाते हैं 2-3 दिन के बाद स्कूल में आते हैं तो चुप होते जाते हैं जब एक्सरसाइज करवाएगी टीचर। तो टीचर को ना ये सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि बच्चा चुप कैसे करवाना, फिर उनको पेंसिल पकड़ना सिखाना है। पेंसिल और घर के लिए भी ये वीडियो, जैसे कि पेरेंट्स मकोड़े मरवानी है, ऐसे बोलते हैं ना, मकोड़े मारता है, खराब कर देगा नोटबुक को, पहले नोटबुक खराब ही करवानी है, मकोड़े मरवाने हैं। पेंसिल दीजिए, स्केच दीजिए या क्रियॉन दीजिए, तो वो नोटबुक में ऐसे मकोड़े मारता रहेगा, फिर उसको पेंसिल पकड़नी आ गई है, मजबूती हो गई है उसके हैंड में। एंड देन आफ्टर उसको फिर लिखना सिखाना, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, क्रूड लाइन और स्लेंटिंग लाइन, सीधी रेखा, लेटी हुई रेखा, क्रूड, जिगजैग जिगजैग स्नेक की तरह, एंड स्लेटिंग तिरछी, जैसे ए फॉर एप्पल होता है तिरछी, फिर इस तरीके से ये ए फॉर एप्पल हो गया। इस तरीके से ये सिखानी है और बार बार प्रैक्टिस करवानी है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन हुआ और एक ही दिन एक्सरसाइज करवा दी, नहीं, हम एक्सरसाइज फिर बीच बीच में भी करवाते रहेंगे। एक्सरसाइज का जैसे डे डिसाइड कर दी कीजिए, जैसे कि मंगलवार को, फिर या शुक्रवार को, या फिर वीक में 2 दिन ऐसे निकालिए, जैसे हम, या फिर हर रोज करवा लीजिए, एवरीडे करवाइए, जैसे होमवर्क फिनिश होने के बाद, जैसे जैसे, या फिर बच्चे रोने लग जाए तो तुरंत करवा दीजिए, ऐसे करवाना है। क्लास को मैनेज करना आना चाहिए एक टीचर को, कि बच्चा रो, नर्सरी क्लास की टीचर को, या फिर नर्सरी, देखिए नर्सरी से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए भी है ये वीडियो, जैसे कि नर्सरी क्लास से 12th क्लास के बच्चों के जो भी टीचर हैं, किसी भी सब्जेक्ट की है, सबसे पहले तो उसको, टीचर को सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एंड बच्चों की क्लास की, कि उनको सेट कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना है। टीचर को पहले सब्जेक्ट पूरा आना चाहिए, तब वो बच्चों को समझा पाते हैं, वरना नहीं। एंड अब फिर हम नर्सरी क्लास की बातें करते हैं। नर्सरी क्लास के बच्चों, और उनको कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, कलर, स्केच से काम देना है, पहले स्केच से काम देना है, आइसक्रीम बनानी है, जैसे अब मैं कुछ, मैंने नोटबुक में काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी है बच्चों की, मैं वो दिखाती हूँ। सो लेट्स सी, ये देखिए, जैसे ये नर्सरी क्लास के बच्चों की मैंने घर में ही नोटबुक बना दी है। सबसे पहले तो उसको मकोड़े मरवाने सिखाने, फिर ये स्लीपिंग लाइन, देर आर 4 लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन एंड क्रूड लाइन।
बार बार, ऐसे नहीं कि एक दिन सिखाई और हो गया, कम से कम 4 या 5 बार सिखानी है ये, जब तक उसकी पेंसिल की पकड़ मजबूत ना हो जाए और उसको सही तरीके से ये सीधी ना लिख लिया जाए, यहाँ डॉट बनाइए यहाँ डॉट बनाइए। मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, आप उनमें देख सकते हैं, इसमें भी देखी लो, इनकी वीडियो डाल रखी है मैंने कि उसको पेंसिल पकड़ना कैसे सिखाना है नर्सरी क्लास के बच्चे को। ये स्टैंडिंग लाइन है, बार बार करवाना है ये, बार 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 बार, जैसे हम स्कूटर मोटरसाइकिल या फिर बस चलाना या फिर ऑटो चलाना या फिर कुछ और, या फिर हम कोई शॉप खोल लेते हैं तो एक ही बार सामान नहीं ला के डालते, फिर से ले आते हैं, फिर से ले आते हैं, फिर से ले आते हैं, जैसे हम स्कूल डेली जाते हैं ऐसे ही ये बार बार प्रैक्टिस करवानी है इन चीज़ों की, बार 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 बार। ये जैसे क्रूड लाइन, फिर ये स्लेंटिंग लाइन तिरछी रेखा, एंड देन इस तरीके से, फिर ये स्लेटिंग एंड स्लीपिंग, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग इकट्ठा हो गया ये, फिर ये आइसक्रीम देनी है, इसमें कलर फिल कर सकते हैं बटरफ्लाई से बटरफ्लाई, एंड जैसे कि ये फिश टू फिश मैच हो गया, जैसे ये ऐसे बना रखे थे मैंने हल्की हल्की लाइन, फिर ऊपर से बच्चे ने फिर आई है, जैसे ये पोर्शन बनाना है जैसे क्लाउड एंड अम्ब्रेला, फिर ये बारिश करवानी है, जैसे मैंने इस तरीके से लाइनें बनाई थी, फिर बच्चे ने पेंसिल फिराई, और फिर ये जैसे कि पहले ये इस तरीके से है कि अनार का डंडा देना है, फिर अर्धगोला देना है, फिर बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सीधा छोटा देना है, जब तक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक देते रहिए, बड़े दीजिए फिर छोटा आकार कर दीजिए, और फिर जैसे कि पहले स्वर सिखाने, एक बार ऐका अनार आ गया तो ऊका उल्लू भी आ जाएगा, आ से आम, ओ से ओखली, औ से औरत, अंके अंगूर, ऐ खाली, काफ़ी सारे आ जाते हैं एक अनार में। फिर जैसे कि व्यंजन में सबसे पहले कह का कबूतर नहीं देना, पहले वह देना है, फिर कह देना है, नए मैं मछली से पहले नए नल देना है, जो ईजी है वो देने हैं, फै फल से पहले पै पतंग देना है, इस तरीके से एक एक अल्फाबेट देना है, हिंदी में एक एक अक्षर देना है, ऐसे नहीं कि 4 इकट्ठे दे दिए। इसलिए मैं कह रही हूँ फिर से कि नर्सरी क्लास की टीचर को सबसे पहले सब्जेक्ट की, हिंदी सब्जेक्ट की, इंग्लिश या मैथ की, या कुछ उनके नर्सरी क्लास के बच्चों की जी के क्वेश्चन होते हैं, उनकी पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही इंग्लिश में पहले ये ए देनी है, फिर एच, फिर ओ, फिर इस तरीके से जैसे खाली पेट छोड़ देना है, जैसे देखिए इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं, पहले ए ए, फिर आई आई देनी है, आई इजी है, फिर एच, फिर ओ, पी, डी से पहले पी देना है, इस तरीके से, ऐसे ही मैथ में 1 फिर 7। एंड अब देखते हैं हम उन बच्चों के लिए जैसे फिर उनकी प्रैक्टिस वर्कशीट, जैसे देखिए ये कितने अच्छे बना रखे हैं मैंने इस तरीके से, ये प्रैक्टिस वर्कशीट है, मैंने पहले वीडियो डाल रखी है उसमें देख सकते हैं बच्चे एंड पेरेंट्स। ऐसे ही इंग्लिश की है, ऐसे ही मैथ की है, जैसे मैथ की मैच डैम है, सर्कल है, जैसे कि 2 पे सर्कल लगाओ एक लाइन में, ज्यादा 2 लिख दिए हैं, 2 ज्यादा लिखने हैं तो 2 पे 2 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, इस तरीके से ये नर्सरी क्लास की बातें हो रही है। लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला है नर्सरी से 12th या नर्सरी क्लास से यूनिवर्सिटी क्लास तक के टीचर या फिर प्रोफेसर, उनको पहले कॉन्सेप्ट की, सब्जेक्ट की, अपनी सब्जेक्ट की और क्लास की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब वो अच्छे से टीच कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारी बना रखी है, आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।